तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि आप गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल पे में बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस क्या है, तो हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे ऐड करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसे वैक आना है। वैक आने के बाद में अगर आपके फोन में गूगल पे एप्लीकेशन है तो ओपन करना है, नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर को इस तरीके से आप यहाँ पर ओपन करके आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं गूगल पे। आप जैसे जैसे गूगल पे लिख करके टाइप करेंगे तो आपके यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर गूगल पे ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको अपने फोन में गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों, आप जैसे सर्च बार पे क्लिक करेंगे गूगल पे, तो गूगल पे फर्स्ट नंबर पे ओपन होकर आ जाएगा। तो अपने फोन में इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन पे क्लिक करना है। दोस्तों, मेरे फोन में ऑलरेडी डाउनलोड है, हम क्या करेंगे ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे वेलकम टू गूगल पे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। डालने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों, अब आपके सामने आपका जहाँ पे मोबाइल नंबर और आपका यहाँ पे जीमेल अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको एक्सेप्ट एंड टर्म पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, जितना भी टर्म एंड कंडीशन है आपको एक्सेप्ट करना है। सो दोस्तों, अगर आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों, आपके यहाँ पे गूगल पे अकाउंट नहीं बनेगा। तो मेरा गूगल पे अकाउंट बन चुका है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। सो दोस्तों, आप बैंक अकाउंट दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहले आपके होम स्क्रीन पे शो हो जाएगा, बट दोस्तों आपके होम स्क्रीन पे इस तरीके से शो नहीं हो रहा है, पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे वैक आना। वैक आने के बाद में आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने आपको जो प्रोफाइल है इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। सबसे ऊपर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, आपका जितना कैशबैक है कैशबैक दिखाएगा। और दोस्तों, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन रहा है, यहाँ पे सेंड मनी, यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे यूपीआई लाइट कार्ड। तो दोस्तों, आपको बैंक इसमें ऐड करना, तो यहाँ पे सेंड मनी टू बैंक दिखा रहा है। तो बैंक अगर आपका ऐड नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करके आपको अपने बैंक को ऐड करना है। जैसे दोस्तों, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से ढेर सारे बैंक का लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अब आपको जो भी बैंक होगा, आपके जिस बैंक का आपका अकाउंट है, अपने बैंक का नाम इस तरीके से सर्च करना है। तो दोस्तों, जैसे अपने बैंक का नाम इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको जो बैंक अकाउंट है फर्स्ट नंबर पर इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैंक को आपको इसमें लिंक करना पड़ेगा। तो आपको इस बैंक पे क्लिक करना है। इस बैंक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कह रहा है ऐड इंडिया पोस्ट बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नीचे कंटिन्यू का बटन हो रहा है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों, इस तरीके से आपको जो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है आपके गूगल पे एप्लीकेशन में लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, मेरा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे लिंक हो चुका है। सो फाइनली दोस्तों, मेरा जो बैंक अकाउंट पे ऐड हो चुका है, लिंक हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में कैसे कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, अलाउड मतलब आप 5024 आवर्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटर यूपीआई पिन कह रहा है और यहाँ पे यूपीआई पिन नॉट नीडेड यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिखा रहा है उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको जो बैंक इसमें ऐड हो चुका है, आप दोस्तों आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, किसी के पास आप पैसा भेज सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इस तरीके से अपने गूगल पे एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।